अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील जिल्हा परिषद कन्या उर्दू शाळेच्या वतीने विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रसंगी गट शिक्षणाधिकारी विजय सरोदे, केंद्र प्रमुख इस्माइल शेख हाशम, शाळा व्यवस्थापक समिती अध्यक्ष शेख आरिफ, उपाध्यक्ष अरविंद खान, नगरसेवक शेख रिझवान, पालक प्रतिनिधी नजीर खान, मुख्याध्यापक शेख असलम, सहशिक्षक व कर्मचारी उपस्थित होते। तर सर्व विद्यार्थी व पालकांनी मिळून या विज्ञान प्रदर्शनाचा लाभ घेतला। Thank you.
शासनाकडून मिळालेली लॅब विज्ञान लॅब, तर विज्ञान लॅबमध्ये असे प्रत्येक प्रयोगाची मांडणी
आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये असलेल्या सायन्सचा वापर आपण कसा करतो या सर्वांचा सहसंबंध या ठिकाणी जोडलेला आहे. मी ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेणार आहे, तालुक्यातली ही एकमेव उर्दू शाळा असावी, कारण अशा प्रकारचे कार्यक्रम तालुक्यामध्ये इतर शाळांमध्ये झाले पण जिल्हा परिषदेची पहिली शाळा ही आहे. मी या ठिकाणी या शिक्षकांनी केलेल्या कामाचं कौतुक करतो आणि या शाळेला जो सुमारे 2 लाख रुपयाचं जे युनिट मिळालं आहे टी व्ही युनिट, त्याचा वापर या शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांनी करावा असं आवाहन करतो. सदर शिक्षकांकडून जे शैक्षणिक काम होत आहे ते शैक्षणिक कामाला माझ्या शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. मी आज जामनेर येथील जिल्हा परिषद उर्दू मुलींची शाळेला भेट दिली आहे आणि मला असं समजलं आहे की या शाळेत सायन्सचं एक्झिबिशनचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि या एक्झिबिशनमध्ये एक शासनाकडून पुरवण्यात आलेल्या अत्याधुनिक साहित्य आणि सामुग्रीचा या विद्यार्थ्यांनी एक चांगल्या प्रकारे वापर केलेला आहे. या विद्यार्थ्यांकडून मी माहिती पूर्ण समजून घेतली. येथील शिक्षक लोकांनी, शिक्षक वर्गाने पालक मुलांना अतिशय उत्तम प्रकारे अशी यांना एक शिक्षणाचा एक गुणदान केलेला आहे आणि मी खूप खूप अभिनंदन करतो या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा आणि खूप अभिनंदन करतो या शाळेचे आमचे शैक्षणिक समितीचे अध्यक्ष आरिफभाई आणि आबिदभाई उपाध्यक्ष, इतर सदस्य, मुख्याध्यापक आणि सर्व शिक्षक वर्गाचा मी खूप खूप अभिनंदन करतो. आणि जिल्ह्यातील ही मला असं वाटतं की उर्दू माध्यमाची ही एक पहिली प्राथमिक शाळा असेल की या ठिकाणी या शिक्षकांनी अतिशय उत्तम प्रकारे या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिलेलं आहे आणि सायन्स वगैरेची खूप चांगली उत्तम माहिती दिलेली आहे आणि निश्चित या विद्यार्थ्यांना भविष्यात यापासून खूप मोठा लाभ होईल आणि याचा फायदा होणार असं नाही. उर्दू गर्ल्स स्कूल की जो है तो साइंस की टीचर मोहतरमा रजिया पठान हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस एग्जीबिशन को जो है तो इनेकाद करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है. मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनको क्या तकलीफें आई और उनका क्या जो है तो इस बारे में अपना ये तासुब देना चाहते हैं. मोहतरमा रजिया तो अरेंजमेंट में थोड़ी सी आई थी लेकिन मज़ा बहुत आया काम करने में. बच्चों की दिलचस्पी देखकर बच्चों को थोड़ा सा बताना पड़ा, अप्रिशिएट करना पड़ा, वो खुद आगे बढ़े और उनकी स्किल्स की, उनकी महारतों का जो है ना आज बच्चे मुजाहिरा कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि वो किस कदर दिलचस्पी के साथ, शौक के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने टैलेंट का, अपने स्किल्स का, अपने प्रोजेक्ट्स का, अपने एक्सपेरिमेंट्स का मुजाहिरा कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है. आम बच्चे जो है ना अपनी ज़िंदगी में साइंस का यूज़ कैसे करेंगे ये आप बहुत अच्छे से. बहुत बहुत शुक्रिया. उर्दू स्कूल अभी स्टार्ट करो. आज जो जिला परिषद उर्दू स्कूल में नुमाइश दी गई इसके पीछे बहुत बहुत सारे लड़कियों ने बहुत अच्छी मेहनत करी, टीचर्स ने अच्छी मेहनत करी और हमारे जो बाजू में खड़े हुए अध्यक्ष साहब इनकी भी अच्छी उसमें मेहनत रही. सबकी मेहनत से आज का जो ये प्रोग्राम हुआ कामयाब हुआ. इस तजुर्बात ये नुमाइश रखने के पीछे हमारा मकसद ये है कि बच्चे जो रोज़ाना माहौल में एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं उनके उनके दिमागों में सवाल पैदा हो, उनको नई सोच व फिक्र मिले, इसलिए हमने ये तजुर्बात का आज नुमाइश रखी गई. इसमें बच्चे खुद से बहुत सारे तजुर्बात करके बता रहे हैं. आप जो रोज़ाना माहौल में और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप जो नए नए तजुर्बात आप मोबाइल के ज़रिए से देखते हैं उससे भी अच्छे, उससे बेहतरीन नुमाइश के ज़रिए से हम यहाँ पर आज बताने की कोशिश कर रहे हैं और सभी क्लास के हर एक तालिबे इल्म का इसमें बहुत भरपूर साथ रहा और बेहतरीन आज का ये नुमाइश रही, इतना मैं कहना चाहता हूँ. नमस्कार, मैं मुजीबुर रहमान. ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 55 इंच का टीवी है जो महाराष्ट्र सरकार की एक स्कीम है, हर तालुके को जो है दिल्ली अपने महाराष्ट्र सरकार से जोड़ना. इस तरीके से एक ही सेंटर से कम 700 स्कूलों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है. इसके लिए भारती ने वर्चुअल क्लासरूम का एक स्कीम शुरू किया है जिसके तहत जो है हमको ये टीवी अवेलेबल हुआ है. हम जो है इस टीवी से हमारे बच्चों को जो है बम्बई से जो प्रोग्राम लेने होंगे वो बिना इंटरनेट के हम उनको जो है दिखा सकते हैं. ये 11 से 5 बजे तक कंटिन्यू शुरू रहने वाला है. अगर कोई बच्चे के दिल में सवाल है तो वो जो है यहाँ पर स्क्रीन पर अपना आकर अगर वो कॉन्टेक्ट करता है तो उससे जो है वहाँ पर सीधे बात होती है, यानी इससे कॉन्फ्रेंस कॉल भी होता है ताकि बच्चा अपनी बात को बताए. और ये इसमें जो है दिया हुआ सर्व शिक्षा अभियान और ई बाल भारती के तहत ये कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं.
इसकी तहत ये टीवी हमको अवेलेबल हुआ है और हम इसका पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।